वो दिन कितने प्यारे
पहुंच गया। अव्यक्त फरिश्ता बन गया ना, तो फॉलो फादर बच्चे, मैं आपके सदा साथ हूं। Om Shanti. Transformation of old sanskars and old nature. Cooperative with everyone. In order to cooperate with everyone, finish your old sanskars. When you finish your old sanskars, others will automatically follow you. There is just I and the Father. Although you see other things, see but don't see. Only see the Father and the Self. Remember the slogan, Sarvaki Sahyogi. Sarva ka Sahyogi banne ke liye apne purane sanskaron ko mitana padta hai. जब अपने संस्कार मिटाएंगे तो दूसरे आपको स्वयं ही फॉलो करेंगे। एक हम दूसरा बाप, तीसरा बातें देखने में आएंगे, लेकिन देखते हुए भी न देखे अपने को और बाप को देखो। स्लोगन यही याद रखो कि स्वयं को मिटाएंगे लेकिन सर्व के सहयोगी बनेंगे। ओम शांति। स्वागत है सभी का अव्यक्त परिवार में। आज है दिन 12। पुराने संस्कार, पुरानी प्रवृत्ति का परिवर्तन का टॉपिक है, सर्व के सहयोगी। तो अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे और क्रेन भाई भी जुड़ेंगे। ओम शांति एवरीवन। ओम शांति सभी को और विशेष ओम शांति हाय परिवार को। ओम शांति। इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड। बहुत बहुत विशेष बात है। दैट मींस देयर इज अ ऑपरेशन ऑन, दैट मींस बाबा स्टार, जैसे कि एक ऑपरेशन ऑन है, ये बाबा का कार्य है, स्थापना, नई दुनिया की स्थापना का कार्य बाबा का है। बाबा का परिवार बेहद का परिवार है। संगम युग पर हम हर एक एक निमित्त आत्मा है, इंस्ट्रूमेंट है बाबा के कार्य के लिए। तो कई आत्माएं बहुत शांति में है, या कभी कभी कह सकते हैं कि एकदम आइसोलेशन में है, माना अकेले है। तो इसलिए कई बार मनमत भी फॉलो हो जाती है, लेकिन बाबा ने जैसे बताया कि अगर आप बाबा का हाथ पकड़ेंगे तो वो जैसे कि श्रीमत पर चलना है। और जब श्रीमत फॉलो करते हैं तो बहुत सरल हो जाता है, मदद भी कर सकते हैं दूसरों को। अपने संस्कारों का मिलन करते, रास मनाते, हाथ में हाथ देकर चल सकते हैं। न केवल मेरा, लेकिन ये बाबा का कार्य है। In the sense of what can I contribute? कई बार सोचते हैं कि हम कैसे सहयोग दे सकते हैं,
अवश्य ही हर एक की अपनी अपनी ड्यूटीज है, अपने अपने डिपार्टमेंट्स है, जिसमें ताकि वो बाबा के कार्य बहुत सरल रीति से आगे बढ़ सके, जिम्मेवारी लेकर हम उसकी देखभाल करते हैं, ये भी एक कार्य है। लेकिन कई ऐसे कार्य है, कई ऐसे बातें हैं जहाँ पर आप सूक्ष्म सहयोग देते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई गुण है, जैसे संतुष्टता का गुण है, या कोई क्वालिटी है कि आप हमेशा डबल लाइट रहते हैं, तो आप क्या करेंगे? कई सारी आत्माएं अपनी यात्रा पर संतुष्टता को अनुभव नहीं करते हैं और हमेशा यही सोचते कि कोई और इसका जिम्मेवार है। शायद यज्ञ मेरे यज्ञ को मुझे मेरे लिए थोड़ा और करना चाहिए, तो हमेशा जैसे बाहर में कारण ढूंढते हैं। लेकिन जो एक अच्छा पुरुषार्थी है वो हमेशा संतुष्ट रहेगा। तो जब कोई आता है जिसमें कम संतुष्टता है, तो मैं वहां सहयोगी नहीं बन सकती हूँ। लेकिन उस आत्मा को मदद करे, या अगर मैं मदद नहीं कर सकती हूँ, तो कम से कम मैं स्वयं संतुष्ट रहूं। और जब संतुष्टता है, तो वो जो वातावरण है यज्ञ का, वो बहुत ही शांत रहता है। अगर मैं ये भी कहूँ कि दूसरे भी ऐसे हैं, मैं ऐसी नहीं, दूसरे ऐसे कह रहे हैं, हाँ हो सकता है ऐसा भी कुछ है, तो भी आप अपने बड़ों को इन्फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अपने आप में आपस में बात करके उसका जो वातावरण है, वाइब्रेशन है यज्ञ का, बहुत बहुत आवश्यक है कि हम उसको बनाए रखें। क्योंकि जब फूलों को खिलना होता है, तो वाइब्रेशंस को जब वातावरण ऐसा ही है जैसे फूलों को खिलना है, तो बाबा कहते हैं कि पालना करने की शक्ति भी इस पर आधारित है कि उस वातावरण में क्या शक्ति है। तो मुझे लगता है कि सहयोग उस स्तर का हो जहाँ पर मैं हमेशा ऐसा वातावरण बनाने के निमित्त बनूं जो आत्माओं को मदद करे, जो उनकी पालना करे, जो उन्हें शक्तिशाली बनाए, न कि मैं स्वयं ही प्रभावित हो जाऊं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है। तो सहयोगी हम बन सकते अपने चेहरे से, अपनी प्रेजेंस से। अगर आप खुश नहीं दिख रहे हैं, मान लीजिए, तो लौकिक में भी लोग जो है वो आपको, आपके साथ थोड़ा रहम भाव दिखा, दया भाव दिखाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है आपको सम्मान न मिले, हो सकता है आपको बहुत फ्रीडम नहीं है, या जो खाना जैसा आपको खाना है वो नहीं मिल रहा है, तो आपके साथ वो दया दिखाएंगे। अच्छा, लेकिन इसमें फिर सेवा नहीं हुई ना। लेकिन जब वो आपको देखते हैं कि आप संपन्न हैं, खुश हैं, तो स्वाभाविक रीति से ही वो कहेंगे, देखो इन्हें, ये कितने संतुष्ट है, कितने भरपूर है। तो हम इस तरह से उन्हें, उनकी सेवा करते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि सहयोगी मतलब सिर्फ धन से सहयोग देते हैं, या केवल वाचा से सहयोग देते हैं, या जो मुझे करना है वो करने से केवल मैं सहयोग दे रही हूँ, तो मैं अपनी ड्यूटी बजा रही हूँ। परंतु क्या आप वो खुशी खुशी कर रहे हैं? क्या आप वो उसकी सराहना कर रहे हैं जो आपको प्राप्त हुआ है, जो बाबा की पालना मिल रही है? हाँ, इतनी अलग अलग रीति से बाबा हमारी पालना कर रहे हैं। तो जितना मुझे समझ में आता है, जितना मैं अपने स्वरूप के द्वारा, अपनी चलन के द्वारा, अपने चेहरे के द्वारा, ये सब जितना दिखता है, उतना ही कह सकते हैं कि आप एक सही रीति से सहयोगी आत्मा है। आमतौर पर हम कहते हैं कि कई बाबा के बच्चे हैं जो पक्के ब्राह्मण हैं, लेकिन बाकी के जो है वो सहयोगी है, माना वो मदद करते हैं जो जिस किसी रीति से कर सकते हैं, या वो ब्रह्मा कुमारी इसके बारे में अच्छा बोलते हैं। लेकिन परिवार में, यज्ञ में, जो शब्द सहयोगी है, उसके कई सारे मतलब है।
और अलग रीति से यज्ञ में उसका इस्तेमाल होता है, जैसे लौकिक में होता है ऐसे नहीं। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपने संकल्पों से। और अगर आपका चार्ट भी अच्छा है, टाइम टेबल अच्छा है, तो ये भी एक बहुत बड़ा सहयोग है। मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप अपने आप को रूहानी रीति से, आध्यात्मिक रीति से ठीक रखते हैं, और वो तभी हो सकता है जब बाबा ने कहा कि आपको फोकस रखना है, अपने ऊपर फोकस करना है, बाबा और मैं। लेकिन अगर आप कंपेयर करते हैं अपने आप को किसी और से, किसी भी चीज के लिए, क्योंकि हर एक के अलग अलग कार्मिक अकाउंट्स है, हर एक के हिसाब किताब अलग है, पवित्रता के लिए जो पुरुषार्थ है वो अलग है, तो हर एक अलग अलग बातों से गुजरता है। कईयों को संबंधों में मुश्किलात होती है, कईयों को जो कर रहे उसमें मुश्किलात आती है, लेकिन मुझे इसका प्रभाव क्यों होना चाहिए? तो अपना जो ध्यान है, अपना फोकस जो अपने ऊपर रखे, अपने पुरुषार्थ पर रखे। आज रविवार है, हम यहाँ पर अव्यक्त मुरली सुनेंगे। बाबा इतना कह रहे हैं कि मेरी स्मृति में क्या होना चाहिए, और मैं सोच रही थी कि स्मृति या विस्मृति, स्मृति या याद, और उसमें भी याद न केवल बाबा की पर अपने स्वयं की, कि मैं क्या थी और मुझे क्या बनना है। और वही बाबा मुरली में कह रहा है, कई सारी आत्माएं मेरे पास आती है, पूछती है कि मुझे क्या पुरुषार्थ करना है, तो बाबा तो बता रहा है ना, मुरली से ही देखना है मुझे, सारे जो भी इशारे है वो मुरली से मिलते हैं, जो भी डायरेक्शंस, जो भी मत, जो भी एडवाइस बाबा को देनी है वो मुरली से ही देते हैं। तो मुरली का मनन चिंतन करके उसे अभ्यास में लाना है, अपने वास्तविक जीवन में, धारणा में लाना है, तो आपको अनुभव होगा जैसे आप बाबा के बहुत समीप है और बाबा आपसे बहुत खुश है, आपको देखकर भी बहुत खुश है। तो जैसे बाबा कहते हैं कि बाबा का हाथ पकड़ना है, श्रीमद का हाथ पकड़ना है, और बहुत बहुत सहयोगी बनना है, और दूसरी आत्माओं को भी मदद करना है, तो वो भी शक्तिशाली बने। ओम शांति। Transformation of old sanskars and old nature, cooperative with everyone. सर्वके सहयोगी, सर्वके सहयोगी बनने के लिए अपने पुराने संस्कारों को मिटाना पड़ता है। जब अपने संस्कार मिटाएंगे तो दूसरे आपको स्वयं ही फॉलो करेंगे। एक हम, दूसरा बाबा। तीसरी बातें देखने में आएंगी, लेकिन देखते हुए भी न देखो, अपने को और बाप को देखो। स्लोगन ये याद रखो कि स्वयं को मिटाएंगे लेकिन सर्व के सहयोगी बनेंगे। ओम शांति। ओम शांति अव्यक्ति परिवार। So we will welcoming our dear brother Ken, but before that, let's go through tomorrow's schedule. Tomorrow is Sunday, so Amritvela 3:30 a.m. to 4:45 a.m. Meditation will start at 6 a.m. followed by Sakar Hindi Murli, followed by meditation Bob offering English Avek Murli until 9:30. Evening 6 o'clock meditation will begin, followed by Spotlight Drishti Sharing, Meditation, English Series, and Homework Avyakti Journey. So now let's start our Avyakti Journey. Welcome to Avyakti Journey, Living and Serving with our Brahman Family. Om Shanti, welcome to our dear angel brother. Our Avyakti Journey, we will see Ken bhai hamare saath baat karenge.
Om Shanti, Sabiko. Yes, I was just listening to what Didi was saying, how the basis of being able to serve is to cooperate. And I appreciated what she was saying about people who live alone. And especially in this days of... मैं बहुत ही सराह रहा था जो दीदी बात कर रहे थे कि कैसे हम सेवा में सहयोगी बनते हैं. लेकिन पर ये भी है कि जब हम अकेले रहते हैं तो कभी कभी मन अपनी चला लेते हैं. आज अर्जेंटीना में है, यहाँ पर एक बहुत सुंदर रिट्रीट सेंटर है. इतनी खुशी, इतना आनंद, क्योंकि हम देखते हैं कि इतना परिवार सहयोगी है जो बहुत ही सरल रीति से सब कुछ आगे बढ़ रहा है. और ऐसे जगह में देखना बाबा का सब कार्य ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है और सब संभालना करना. और इसीलिए इसमें सहयोग तो बहुत आवश्यक है. मैंने पूछा जो यहाँ पर 90 लोग आए हैं, तो इसमें खुश हूँ उनको देखकर. और खुशी जो है वो संतुष्टता से आती है. मैंने पूछा आप में से कितने अकेले रहते हैं, और उसमें से ज्यादातर मेजॉरिटी हाथ ऊपर थे लोगों के. बहुत कम है जो लौकिक के साथ रहते, और बहुत ही उसमें भी कम है जो दूसरे ब्राह्मणों के साथ रहते. तो कहां और क्यों और कैसे हम सहयोगी बने, इतना आवश्यक है कि हम सहयोगी बने. मुझे लगता है कि बहुत ये सरल है कि हम सहयोगी बने, या इस सिचुएशन में रहे कि जहां हमें दूसरों का सहयोग मिल रहा है. मैं सोच रहा था कि हमारे जीवन में तीन मुख्य प्रभाव या इन्फ्लुएंसेस है. एक जो दीदी ने मेंशन किया, अगर हम श्रीमद की लाइन में हैं तो हम और ज्यादा संतुष्ट रहेंगे, क्योंकि हम हमारी जीवन प्रोटेक्टेड होती है, बाबा के हाथ में हाथ होता है, जैसे अविवेक मुरली में बाबा ने कहा. तो श्रीमद का प्रभाव अपने जीवन पर, परमत का प्रभाव हमारे जीवन पर, किसी और का ओपिनियन हो सकता है जो परमात्मा का नहीं है, किसी भी मनुष्य का. परमत इन दुनिया कैसी होनी चाहिए और मुझे क्या करना चाहिए, ये सब लोगों की मतें हैं. चाहे वो कितने भी श्रेष्ठ क्यों ना हो, लेकिन वो है तो मनुष्य ही हमारे जैसे. तो बाबा भाई कह रहे हैं तीसरा जो प्रभाव है वो मैं याद कर रहा था. केवल रिट्रीट सेंटर की बात है, हमें बहुत अच्छी बहुत अच्छा समाचार मिला कि हमें डाउनटाउन में भी एक स्थान मिला, एक दो ऐसे स्थान एक साथ मिले, एक यहाँ रिट्रीट सेंटर के लिए और एक डाउनटाउन में जो हम बहुत समय से खरीदने की कोशिश कर रहे थे. बहुत अच्छा स्थान है, लेकिन फिर भी हमें फिर से सहयोग चाहिए. लोग जो फ्री रह सके, सहयोग दे सके, बहुत बड़ी बात है. तो स्वतंत्रता विकारों से और स्वतंत्रता बंधनों से. और इसके दो भाग है, एक किसी चीज से स्वतंत्रता, हम विकारों से स्वतंत्रता है, हम शरीर के बंधन से, हम अपने संस्कार से फ्री है. और दूसरा साइड है स्वतंत्रता कि मैं स्वतंत्र हूँ कुछ करने के लिए, मैं स्वतंत्र हूँ सहयोग देने के लिए, मैं स्वतंत्र हूँ बाबा की सेवा करने के लिए, मैं स्वतंत्र हूँ बाबा का निमित्त बनने के लिए, जो कुछ हो रहा है उसके लिए. तो मैं याद कर रहा था, हम अपने बचपन के दिन याद कर रहे, मैंने कुछ ऐसे संबंध संपर्क की आत्मा उसको मिला था अर्जेंटीना में, और बाबा ने कहा था
ये 1981 की बात है. बाबा ने मुझे बुलाया अपनी ये पर्सनल मीटिंग थी. हम हर समय बाबा से मिलते थे. जब बाबा आते थे तो बाबा ने कहा मुझे, आपके पास वीजा की प्रॉब्लम है ना? ये सत्य है. हम दूसरी कंट्री को छोड़कर आते हैं तो हर बार अपने पासपोर्ट को स्टैंप लगाना पड़ता है और फिर तो ये चलता है वीजा का. तो और मैंने कभी किसी से कहा नहीं था, मैंने कभी किसी को कहा नहीं था ब्राजील से अर्जेंटीना, अर्जेंटीना से इंडिया, शायद ये बात कर रहे, पर ये किसी को भी नहीं बताया था. तो मुझे बहुत अच्छा लगा जब बाबा ने मुझे कहा कि आपको वीजा की प्रॉब्लम है. तो बाबा ने दिखाया मुझे कि उसको सब पता है. और इतनी अच्छी भावना इमोशन कि बाबा को पता है कि मुझे वीजा की प्रॉब्लम है. मैंने कहा वाओ, ये बाबा की मेरे प्रति चिंता. और फिर बाबा ने कहा सिर्फ बॉर्डर पर नहीं जाओ, सान पाउला जो ब्राजील का ही एक भाग है, वहां से वो बॉर्डर्स पर ही जाते थे, सिर्फ बाउंड्री पर, जो चाहे अर्जेंटीना का बाउंड्री है, चाहे अपना पासपोर्ट पे स्टैंप लगा के मैं वापस आ जाते थे. तो बाबा ने कहा केवल बॉर्डर पर नहीं जा, क्योंकि बाबा को कैसे पता है. मुझे फिर से आश्चर्य हुआ कि बाबा को कैसे पता है. लेकिन बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी भावना इमर्ज हुई कि बाबा को पता है कि मैं सिर्फ बॉर्डर जाकर आता हूँ. तो बाबा ने कहा आप उस कंट्री की कैपिटल सिटी में जाइए, वहां पर सेवा शुरू कीजिए. तो ये श्रीमद है. तो बाबा केवल इंस्ट्रक्शन नहीं देते है, यस सर, श्रीमद नहीं देते, लेकिन उसमें शक्ति भी भरते, उसमें वरदान भी देते, उसमें सब बात बताते हैं. क्योंकि बाबा को पता है कि कैसे ना करके उसके बच्चे हैं वहां पर, और उसे किसी न किसी निमित्त को वहां भेजना है ताकि वो सब इकट्ठा आए. और इस केस में वो मुझे पूछ रहे थे. तो जो सबसे पहले कंट्री में जहां गया, ये 1981 की बात है, बाबा की श्रीमत को फॉलो करते हुए डायरेक्ट पर्सनल श्रीमत मिली थी मुझे. बाबा ने कहा कि जो आसपास के देश है वहां पर जाओ. और इसलिए मैं ब्राजील से मैं लोगों से भी मिला था बॉर्डर जो अर्जेंटीना का है, वहां पर भी लोगों को जानता था. तो एक उनमें से जो निमित्त बना, उसने मुझे इनविटेशन भेजा, सब कुछ तैयार किया और सुदेश दीदी को अर्जेंटीना लेके जाने का प्लान किया. सेंटर स्टार्ट करने से पहले ही सब प्लान था, क्योंकि वहां पर अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच में अभी भी लड़ाई चल रही थी. और मेरे पासपोर्ट में, पहले के पासपोर्ट में ये था, मैं यहाँ नहीं आ सकता हूँ, क्योंकि जैसे कि अल्लाह है बीके से. लेकिन जो भी है, सब कुछ सेटअप था, सब ठीक था. और बहुत ही बाबा को जैसे कि आइडिया है, बाबा को करण करावन हारे, बाबा आत्माओं को टच करते हैं, बाबा सब कुछ सेट करते हैं. और उन्होंने बहुत बड़ा निमित्त इंस्ट्रूमेंट सुदेश दीदी को भेजा और सब कुछ बाबा की श्रीमत से शुरू हुआ. इसका मतलब है, पहले बात, ये बाबा की सेवा है. तो मुझे बाबा की सेवा के लिए आइडियाज अपने मन से नहीं आएंगी या दूसरों के मन से नहीं आएगी. मुझे मनमत से या परमत से बेस्ट आइडिया नहीं आएगी. मुझे मुरली से या अमृत वेले से कुछ इंस्पिरेशंस मिल सकती है, या अपने दिल की रूह रिहान से इंस्पिरेशंस मिल सकती है, दूसरों से इंस्पिरेशन मिल सकती है. लेकिन मुझे पता है कि मैं बाबा के बच्चों की सेवा कर रही हूँ. किसी का मेरे साथ कोई पर्सनल रिलेशन है इसीलिए नहीं. परिवार है, बाबा के बच्चे हैं. और फिर से मैं
उन्हें मैं उनकी सेवा में हाजिर हूँ क्योंकि बाबा के बच्चे हैं। तो इस आधार पर अगर हम आज की मुरली देखें तो बाबा कह रहे थे आत्मा अभिमानी स्थिति के बारे में, देह अभिमान की स्थिति के बारे में, देही और देह अभिमान का अंतर, तो इसका हमें ध्यान रखना है। हमें अपने मन को अगर मैं अपने शरीर पर ध्यान दे रही हूँ जैसे आज की मुरली में था, तो ये जैसे कि प्रकृति पर ध्यान देना हुआ, तो मेरा मन जो है वो किसी विनाशी चीज से अगर कनेक्टेड है तो मैं भी तो नाश को प्राप्त करता हूँ। और मैं उसको उस स्थिति में किसी की सेवा नहीं कर सकती, तो जैसे कि असंतुष्टता, जैसे कि किसी चीज की कमी का अनुभव होना, जब देह के अभिमान में होते हैं, केवल देह पर ध्यान देते हैं, तो बाबा ने कहा किसी को भी दुख नहीं देना है, किसी को भी कमी का अनुभव या असंतुष्टता का अनुभव, ये भी एक तरह का डिस्कम्फर्ट है। और इस आधार पर अगर हम देखते हैं तो तीन प्रकार की खुशी के बारे में बाबा बात करते हैं। जो खुशी मुझे दूसरों से और प्रकृति से मिलती है, जो बहुत ही अल्पकालीन है, कोई मुझे प्रेज करता है, मेरी महिमा करता है तो मुझे बहुत खुशी होती है, ये कुछ होता है उससे मुझे खुशी मिलती है, तो ये बहुत ही हद की खुशी है। दूसरी प्रकार की खुशी, दूसरों की सेवा करने से जो खुशी मिलती है, मैं अपने गुणों को, अपने कर्तव्य को, अपने क्वालिटीज को, अपने संस्कारों को, अपने स्किल्स को बाबा की सेवा में जब इस्तेमाल करती हूँ, तो अगर मुझे अपने संस्कारों का परिवर्तन करना है तो ये सबसे अच्छा तरीका है कि उसे सेवा में उसे यूज करना। अगर मैं सिर्फ प्रकृति के साथ इंटरैक्ट कर रही हूँ या शरीर के साथ संपर्क में आ रही, तो उससे तो कोई फायदा नहीं है। इसीलिए सन्यासी कहते हैं कि खुशी जो है वो काग विष्ठा समान है, क्योंकि वो केवल इस फिजिकल शारीरिक वर्ल्ड को देखते हैं। ये बहुत ही अल्पकाल है और इसीलिए इसमें किसी बात की निश्चितता नहीं है, गारंटी नहीं है, इसलिए उसकी कोई वैल्यू भी नहीं है। लेकिन जो दूसरों की सेवा करने से खुशी मिलती है और दूसरों के साथ सेवा करने से मिलती है, दूसरों को प्रभावित करने से मिलती है, इंस्पायर करने से मिलती है, मुझे नहीं पता कि लोगों को क्या चाहिए, लेकिन बाबा को पता है, तो वो मुझे इसीलिए उसके साथ कनेक्ट होना है और बाबा की मुरली के साथ कनेक्टेड रहकर, जैसे बाबा का इंस्ट्रूमेंट हूँ मैं, जो मुझे करना है वो आत्मा की जो आवश्यकता है वो मैं ले सकती हूँ। तो जहाँ मैं परे जा सकती हूँ मेरे अपनी शारीरिक आइडेंटिटी से या मेरे जो प्रेफरेंस है, लाइकिंग्स है, इनसे परे जा सकती हूँ, तो उसमें जो खुशी मिलती है वो थोड़ी स्थायी होती है, लेकिन ये कनेक्टेड है इस बात से कि अगर मुझे महसूस होता है कि मैं बाबा के कार्य के लिए लायक हूँ, यूजफुल हूँ, अगर मुझे लगता है कि ये
बाबा मुझे यूज कर रहा है, मैं बाबा के काम आ रही हूँ, मेरा इस्तेमाल अच्छे से हो रहा है, तो इस तरह से किसी ना किसी बाबा के बच्चे की सेवा में मैं निमित्त हूँ, तो वो जो खुशी है वो थोड़ी ज्यादा स्थायी है, या जो खुशी हमें केवल कुछ अच्छा म्यूजिक सुनने से या दुनिया में सफलता प्राप्त करने से या धन मिलने से मिलती है, वो बहुत विनाशी या खुशी है, खत्म होने वाली खुशी, अविनाशी नहीं है। लेकिन जो दूसरों की सेवा करने से मिलती है वो जमा होती है। अवश्य ही ये भी खुशी है जो इससे भी परे है, जिसको हम कहते हैं अतीन्द्रिय सुख, जो ये सभी बातों से परे है, उन सेवा से भी परे है, वो आत्मा के घर में परमधाम में बाबा के साथ जो आनंद मिलता है वो बिल्कुल न्यारा है। पर जो सेवा में हमें खुशी मिलती वो मुझे तैयार करता है पुरुषार्थ करने के लिए, ये समझने के लिए कि आत्माओं की आवश्यकता क्या है, इस आत्मा को क्या चाहिए। हो सकता है उन्हें दो अलग बातें चाहिए, वो उन्हें क्या चाहिए परमात्मा से, और मैं बाबा का इंस्ट्रूमेंट हूँ उसको, उस आत्मा को परमात्मा के कनेक्शन में लाने के लिए, और मुझे बीच में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए अपने परखने से, अपने जजमेंट से नहीं, पर मुझे विशेष तरह से ये कोशिश करनी चाहिए समझने की कि आत्मा को क्या चाहिए, इस आत्मा को क्या चाहिए। इस तरह की जो खुशी है ये संतुष्टता का अनुभव कराती है। लोगों को क्या चाहिए ये मुझे बस सोचने दो बाबा की याद में, और इसका उत्तर आता है। तो ये जो प्रश्न है कि मैं क्यों स्पेशल हूँ, ये अपने आप को हमें पूछना है, और धारणा बेस्ड लीडरशिप में ये बात बताते हैं, ये आवश्यक है जानना कि मैं विशेष क्यों हूँ, Why am I special? मेरी विशेषता, अगर अनादि स्वरूप में मैं बोलता हूँ तो वो एक तरह से मुझे संतुष्टता प्राप्त करती है। दुनिया हमें असंतुष्ट कर सकती है, लेकिन उस स्थिति में मैं असंतुष्ट दूसरों को दुख नहीं दूंगी। दूसरों को दुख तभी देते हैं जब मैं खुद दुखी हूँ, तो हम दूसरों को वही बांटने की कोशिश करते हैं। लेकिन दूसरे तौर दूसरे साइड पर अगर कोई और दुख दे रहा है, मैं उस मार्केट में जाऊंगा ही नहीं, मुझे जरूरत ही नहीं है, मुझे लेना ही नहीं है। वो दे रहे हैं दुख, लेकिन मुझे लेने की आवश्यकता नहीं है और मुझे जरूरत भी नहीं है लेने की। तो अगर मैं इस बात पर काम करती हूँ कि मैं क्यों और कैसे आध्यात्म में हूँ या रूहानियत में हूँ, क्योंकि ये मेरा आध्यात्मिक जन्म है, क्योंकि मेरा ये परमात्मा के साथ बहुत नजदीक का संबंध है, और कोई भी सृष्टि चक्र में कोई भी समय पर नहीं होगा, क्योंकि मैं परिवर्तन करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं लायक हूँ, तो अपने आप जैसे परिवर्तन दिखाई देगा, मेरे अंदर जो बेस्ट है वो बाहर उभर कर आएगा। तो मेरे अंदर कोई विशेष गुण है, कोई विशेष कला है, तो ये जो भावना है जिसमें मैं बाबा के काम आ रही हूँ, तो उसमें अपने आप हमारे गुण दिखाई देते हैं। तो धारणा में बताते हैं हमारे जो चार सब्जेक्ट्स है, ज्ञान और योगा जैसे इनपुट है अंदर जाते हैं, और धारणा और सेवा आउटपुट है बाहर आते हैं। मैं ज्ञान समझ रही हूँ, मुझे समझ में आ रहा है मनन चिंतन क्या है, मुझे पता चल रहा है कि मेरा अपना योग कैसा होना चाहिए, बाबा के साथ मेरे संबंध कैसे होने चाहिए, बाबा मेरे से क्या चाहते हैं, बाबा मुझे कैसे इस्तेमाल करने चाहते हैं,
और फिर जब मैं ये सोचती हूँ तो मैं अपने गुणों के बारे में सोचना शुरू करती हूँ जो उसकी सेवा में काम आ सकते हैं, और जैसे मैं शुरू करती हूँ या जैसे बाबा शुरू करते हैं मुझे यूज करते हैं, तो मेरा अपना स्वमान भी बहुत ऊंचा बढ़ता है, मेरा रूहानी नशा बहुत बढ़ जाता है। तो मैं अपने आप को बाबा की सेवा में लगाता हूँ और वो मुझे डेफिनेटली यूज करेगा किसी न किसी स्थिति में जो मुझे नहीं आती थी पहले करने, मुझे नहीं पता था। जब पहली बार मुझे वर्कशॉप करना था 100 लोगों के साथ, नहीं ये 80s की बात है, 90s की बात है, हमने कभी वर्कशॉप नहीं किया, हमने केवल टॉक्स दी थी, मैंने भाषण किया था लेकिन इसे वर्कशॉप नहीं। तो 2 हफ्ते में यूएन का जो हेडक्वार्टर है उस समय लैटिन अमेरिका का सैंटियागो में था, सैंटियागो, और हमने ऑर्गेनाइज किया वो वर्कशॉप। और मैंने सोचा कि क्यों, मैं क्या करूंगा, मैं कभी भी 100 लोगों के साथ मैंने एक वर्कशॉप में काम नहीं किया है, छोटे स्तर पे किया है लेकिन इतने बड़े स्तर पे नहीं। तो मैं अमृत वेला बाबा के साथ बैठा था और मैंने बाबा को कहा कि मैं 100 लोगों के साथ एक वर्कशॉप की सेटिंग में कैसे काम करूंगा, उनको बातचीत करना है, उनका उमंग उत्साह ऊंचा रखना है। तो मैं ध्यान लगा रहा था और अचानक मेरे मन के स्क्रीन पर ये पिक्चर आया, कृष्णा का पिक्चर है सभी गोपियों के साथ, और हर एक गोपी के साथ एक श्री कृष्ण है। हमारे पास ये पेंटिंग थी, हमने देखी थी, तो वही पिक्चर मेरे मन में इमर्ज हुआ। तो वो पिक्चर जैसे मन में आया, जैसे बाबा कह रहे थे कि चिंता नहीं करो, मैं हर एक 100 लोगों के साथ उनके साथ रास करूंगा, आपको रास करने की जरूरत नहीं है, मैं रास करूंगा हर एक के साथ। तो वो जो भावना मेरी रूहान में बाबा के साथ इमर्ज हुई, वो बहुत मैंने मुझे अच्छा लगा। जैसे बाबा मेरे सामने है और मुझे कह रहा है कि मुझे क्या करना है, तो मुझे बहुत क्लैरिटी मिली कि कैसे करना है, क्या करना है। और अगर बाबा मेरे साथ है तो मैं कुछ भी करूं, तो वो है जो वो देखेगा कि वो हर आत्मा को कुछ ना कुछ दे रहा है, वो जिम्मेवार है, वो पतित पावन है, वो परिवर्तन करने वाला है, वो बचाने वाला है, वो सोर्स है, मैं नहीं। तो जितना मैं इस तरह से अपने गुणों को, अपने स्किल्स को, अपने टैलेंट्स को, अपने ज्ञान को, अपनी समझ को यूज करता हूँ या उसको सेवा में डालता हूँ, तो सेवा में लगाते हैं, तो जैसे बाबा मुझे यूज कर रहे हैं, बाबा मुझे और संतुष्टता से भरपूर कर रहे हैं, और मैं किसी को भी दुख नहीं दूंगी, क्योंकि मैं दुख तभी दूंगी अगर मैं खुद दुखी हूँ। तो मैं अपने अंदर से कुछ बाहर निकालने की कोशिश कर रही हूँ जिसकी वजह से मुझे दूसरों को दुख देने के निमित्त बन रही हूँ। तो इसके कारण दूसरों के संस्कारों में भी मुश्किलात अनुभव होती है। तो एक साथ आना है, एक साथ काम करना है, सहयोगी बनना है, ताकि बाबा की सेवा को हम सफल कर सके। तो ये कुछ संकल्प जो मुझे इमर्ज हुए वो मैं आपके साथ बांटना चाहता था। यहाँ पर 40th ईयर सेलिब्रेशन कर रहे हैं अर्जेंटीना में, बहुत सुंदर रिट्रीट सेंटर है और बहुत बहुत विशेष है कि ये जो टॉपिक बाबा ने कहा कोऑपरेशन का, सही है, कैसे दूसरों के साथ कोऑपरेट करना है और कैसे दूसरों का सहयोग लेना है, कैसे बाबा के कार्य में सहयोग देकर सबसे बेस्ट करना है बिना किसी स्वार्थ भाव के, तो अवश्य ही हम दूसरों के साथ बहुत अच्छे से जी भी सकते हैं।
ये कुछ हम करते हैं, मेडिटेशन करेंगे और फिर फिनिश करेंगे. Nation of old nature and old samskars. Cooperative with everyone. In order to cooperate with everyone, finish your old samskars. When you finish your old samskars, others will automatically follow you. There is just I and the Father. Although you see other things, see but don't see. Only see the Father and the Self. Remember the slogan, I will do whatever I have to do and cooperate with everyone. पुरानी नेचर व संस्कारों का परिवर्तन, सर्व के सहयोगी, सर्व का सहयोगी बनने के लिए संस्कारों को मिटाना पड़ता है. जब अपने संस्कार मिटाएंगे तो दूसरे आपको स्वयं ही फॉलो करेंगे. एक हम, दूसरा बाप, तीसरी बातें देखने में आएंगी, लेकिन देखते हुए भी न देखो, अपने को और बाप को देखो. स्लोगन यही याद रखो कि स्वयं को मिटाएंगे लेकिन सर्व के सहयोगी बनेंगे. ओम शांति.